अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लुबना और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ बाय लुबना खड़ाई। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चटनी कबाब। ये एक यूनिक रेसिपी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। आई एम श्योर अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये अंदर से कितनी ब्यूटीफुल और ग्रीन है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन। उसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। फिर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें चिकन को करना है बॉईल। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसे अभी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और फ्लेम को कर लेंगे ऑन। देखिए ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। अभी थोड़ा सा पानी बचा है, हमें इसे ड्राई करना है। देखिए ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब मैंने इसे ठंडा करके अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी हरा धनिया कोरिएंडर। फिर हमें चाहिए थोड़ा सा पुदीना मिंट लीव्स। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा क्यूमिन, 3 से 4 लहसुन गार्लिक क्लोव्स, 4 to 5 ग्रीन चिलीज। चिलीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं नमक डाल के पीस लूँगी और एक चटनी बना लूँगी। अब हमें एक पैन में चाहिए 2 टेबल स्पून भर कर बटर। बटर को अच्छी तरह से होने देना है हमें मेल्ट। इसको चलाते रहिएगा, बटर जलना नहीं चाहिए। ये देखिए बटर मेरा हो गया है मेल्ट। इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने जो चटनी पीसी थी, वो चटनी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए चटनी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से बटर में कर लेंगे मिक्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर है चटनी का। देखिए ये हो गई है हमारी चटनी कुक। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच योगर्ट दही। इसको जल्दी जल्दी से कर देंगे मिक्स। हमें इस दही को पकाना है। देखिए दही हमारा अच्छे से पक चुका है और हमारा जो सारा मसाला है चटनी है वो भी पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा श्रेडेड चिकन। सारा चिकन इसमें डाल दीजिए और इसको कर देंगे मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया है मिक्स। लग रहा है ना बहुत ही अच्छा और ग्रीन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और इसे कर दीजिए मिक्स। तो देखिए हमारी फिलिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। अभी हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। अभी हमें चाहिए 4 से 5 बॉयल पोटैटोज़। इसको मैंने मैश कर लिया है। हमारी चिकन जो है वो ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं दे रही हूँ रवा सूजी हमारी कबाब की कोटिंग के लिए। मैंने अपने हैंड्स को कर लिया है ऑयल से ग्रीस। थोड़ा सा पोटैटो ले रही हूँ, उसको फ्लैट कर रही हूँ मैं अपने हैंड्स पे। अब मैं डालूँगी इस पर हमारा चिकन का मिक्सचर और इसको अच्छी तरह से अंदर भर कर ये पोटैटोज़ को मैं कर दूँगी बंद। इसको अच्छी तरह से सील करना है। देखिए इस तरह से सील कीजिएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये पकने के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अच्छी तरह से इसको सील कर लीजिए। ये देखिए ये रेडी है। अब हम इसको डालेंगे रवे में। हम इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे हमारे रवे में या सूजी में। ये हो गई है हमारी कोटिंग और ये हमारी कबाब है रेडी। तो देखिए मैंने इतनी सारी कबाब बना के रेडी कर ली है। अब हमें इसे करना है फ्राई। यहाँ पर मैंने एग लिया है, उसको मैंने नमक डाल के विस्क कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी कबाब। हम इसको अब करेंगे फ्राई। ऑयल मेरा हॉट है, मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी कबाब और हम इसे कर देंगे फ्राई। तो देखिए हमारी कबाब अच्छी तरह से पक रही है। हम इसको फ्लिप करेंगे ताकि वो दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए हमारी कबाब बिल्कुल रेडी है, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। इसका कलर बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। तो चले कर देते हैं इसकी प्लेटिंग। तो अब मैंने इसे डाल दिया है अपनी प्लेट पर। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल और ग्रीन है अंदर से। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में आपने देखा ये कितनी ईजी है।
तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप इसकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर कीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू सी इट। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।